मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संकल्प कोई भी भूखा न सोए गुरुवार से साकार रूप लेने वाला है। गुरुवार से राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर की मुहाना मंडी में बने इंदिरा रसोई का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 213 नगर निकायों में 358 रसोईयां खोली जाएंगी। रसोई स्थल पर सम्मान पूर्वक बैठकर खाने की व्यवस्था की गई है, जहां पर 8 रूपये में शुद्ध ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस रसोईयों का संचालन निजी संस्थाएं करेंगी, जिनकी मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर करेंगे। सरकार इस योजना पर हर साल 100 करोड़ रूपये खर्च करेगी। जयपुर के दोनों नगर निगमों में कुल 20 इंदिरा रसोई खोली जाएंगी। दिनेश जी, किस तरह की ये योजना है, जयपुर में क्या तैयारियां हैं? देखिए, इंदिरा रसोई योजना का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कोरोना प्रारंभ के समय से ही एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि कोई भूखा ना सोए, उस पर आधारित है। बाकायदा स्थान जो चयन किए गए हैं उनमें बाकायदा कुर्सी, मेज और बेंचेस वगैरह लगा करके एक सिस्टमेटिकली और उसमें बैठ करके और बाकायदा उनको प्लेट्स के अंदर भोजन करवाया जाएगा। इसकी जो व्यवस्था मोटे तौर पे की गई है उसमें व्यक्ति से 8 रूपये लेने हैं और उसके अलावा 12 रूपये का कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से है। इस प्रकार से लगभग 20 रूपये का एक व्यय आएगा। जयपुर शहर की बात करें तो ग्रेटर में और हेरिटेज में कुल मिलाकर के कितनी जगह रसोई खुलने वाली है? जयपुर ग्रेटर क्षेत्र में 10 रसोई और इसी प्रकार हेरिटेज क्षेत्र में कुल 10 रसोई हैं, जिन स्थान के ऊपर बैठ करके इसकी व्यवस्था की गई है। कल से इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से किया जाना है। खाने में क्या क्या मिलेगा? देखिए, ये 100 ग्राम दाल, 250 ग्राम आटे की चपाती, अचार और साथ ही साथ में उनको सब्जी, इस प्रकार की एक व्यवस्था रहेगी। इसका मेनू जो है वो प्रत्येक समय के अनुसार बदलता रहेगा, प्रत्येक सप्ताह अलग अलग मेनू मौसम और उसके ध्यान में रखते हुए। मॉनिटरिंग कैसे हो पाएगी इसी में खाने की? मॉनिटरिंग के लिए देखिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लेवल पर तो मॉनिटरिंग के लिए अलग से समिति बनी है। नगर निगम के क्षेत्र पे भी हमने प्रत्येक जो हमारे जोन उपायुक्त हैं उनको इसके लिए जिम्मेदार प्रदान की है कि वो निरंतर जिस क्षेत्र में भी आती है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। पूर्व में भी एक योजना चलती थी अन्नपूर्णा रसोई योजना, उससे कितनी भिन्न है ये? क्योंकि ये उठाते कहते हैं कि सेम योजना थी, कितना फर्क है? देखिए, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि अन्नपूर्णा में आपको भोजन पैक्ड मिलता था जो आप मोबाइल में लेके जाती थी और उससे आप लेकर के कहीं बैठ के ले जाकर के खा सकते। इसमें एक तो बैठ करके खाने की व्यवस्था की गई है, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तो ये है। दूसरा, गर्म भोजन की व्यवस्था होगी। भोजन जो संस्था है वो अगर मान लीजिए बड़ी संस्था है और एक से अधिक स्थानों पर उसने लिया हुआ है और वो कहीं से प्रिपेयर भी करके लाती है तो भी वहां उसको उस रसोई के स्थान के ऊपर गर्म करके ही भोजन सर्व करना होगा। और बैठ करके जिस प्रकार से हम किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में भोजन सर्व करते हैं उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को भोजन सर्व करना होगा। धन्यवाद सर। तो ये दिनेश यादव जी, इनका कहना है कि इंदिरा रसोई योजना के तहत जब कल से जब सभी रसोईयां खुलने वाली है तो वहां पर गरीब आदमियों को जो खाना मिलेगा वो एकदम गर्मा गर्म मिलेगा। पूर्व में जिस तरह से अन्नपूर्णा योजना राजस्थान में चलाई जा रही थी उसमें पैकिंग करके खाना दिया जाता था, लेकिन अब गर्मा गर्म खाना हाथों हाथ वहीं मिलेगा और बैठ करके खाने की व्यवस्था भी की गई है। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ राम स्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस।